पल-पल की खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के दौरान जिस तरह से 44 जवानों की शहादत हुई थी, उसे याद कर पूरे भारतवासियों की आंखें नम हो गई। 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जवान शहीद हुए थे। देश की सुरक्षा में जान गंवाने वाले वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए रजगामार में बजरंग दल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोमबत्ती जलाकर संगठन के पदाधिकारियों ने वीर जवानों को न केवल नमन किया बल्कि उनके शौर्य को याद करते हुए आतंक की जमकर निंदा भी की। आज दिनांक 14 फरवरी 2021 को रजगामार के मुख्य चौक पर पुलवामा में हुए हमारे सैनिक भाइयों की जो आतंकी हमला हुई थी उसकी द्वितीय वर्षगांठ है। और अभी 10 फरवरी को दिल्ली में जो हमारे एक राम भक्त रिंकू शर्मा जी का जो शांति दूतों के द्वारा एक घिनौना निर्मम हत्या कर दिया गया, उसके संदर्भ में हम रजगामार के सभी युवा साथी और हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मिल करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। और साथ में हम युवा साथी देश के राष्ट्रपति से यह कहना चाहते हैं कि ऐसे कृत्य निरंतर बार बार होते जा रहे हैं, तो इस पर कुछ अंकुश लगाएं और जो हत्यारे हैं हमारे राम भक्त रिंकू भाई के, उन हथियारों को किसी भी तरह का कड़ी कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। जय श्री राम। हमारे भारत देश के वीर जवान जो हमारी सीमा में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम पूरे भारतवासी सुरक्षित रहते हैं। 14 फरवरी 2019 को जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे वीर सैनिकों का नरसंहार किया, उसका हम लोग विगत 2 साल से विरोध करते आ रहे हैं। और पुलवामा में जो शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित आज हम लोगों ने किया है। एक विषय और है, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज भारत देश में हिंदुओं की संख्या अधिक होते हुए भी हमको जय श्री राम बोलना भी हम लोग को कठिन हो गया है। रिंकू शर्मा जी का जिस तरह से निर्मम हत्या कुछ विशेष धर्म के लोगों ने सिर्फ इसलिए किया कि वो श्री राम भगवान जी के भक्त थे और श्री राम भगवान के कामों को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, और जिस तरह का उन निर्मम हत्या करता है किया गया, हम उसका समस्त हिंदू समाज समस्त युवा साथी हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, राष्ट्रपति के माध्यम से यह मांग भी रखा गया है कि ऐसे पुनः ऐसी घटना ना हो और ऐसे आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं उनको फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। रजगामार के प्रेम नगर में हम सब महिला समिति, बालक, बच्चे और जवान सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 14 फरवरी सन 2019 में आतंकियों ने हमारे जवानों पे जो हमला किया था उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एवं अभी विगत 10 फरवरी को आप सबको पता होगा दिल्ली में एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी थी। रिंकू शर्मा जो कि हमारे राम भक्त हैं, उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। हम उसका बहुत कड़ी निंदा करते हैं और अब समय आ गया है हम सभी हिंदुओं को एक होने का और इसका प्रतिकूल जवाब देने का। मैं अपना इतना कहने के बाद शब्दों को विराम देना चाहूँगा। बोलिए जय श्री राम, जय भारत माता की। KSN 24 न्यूज़ के लिए रजगामार कोरबा से अंकित जांगड़े की रिपोर्ट।